ये पुल गिरा हुआ है, अभी तक ये पुल नहीं बना हुआ, ये यहाँ से फौजी भी कहीं बह चुके हैं इस नाले से। तो जल्दी से जल्दी सरकार से अपील करते हैं कि ये इस नाले का कोई ना कोई प्रबंध करे, यहाँ से गाड़ियाँ आर पार होना बहुत मुश्किल है। तो अपना सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार, हमारा ये डिफेंस रोड है, कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग लग सकता है, और ये यहाँ से आर्मी का पूरा एरिया माल जो यहाँ से सप्लाई होता है, इसी रोड से क्रॉस होता है। क्या चाहते हैं सरकार से? जय डिंग से बोल रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे एक सेरी से कलाल रोड है, जिसके ऊपर एक छोटा डिवर्शन बना हुआ है, और उस डिवर्शन को जब बरसात में के मौसम में पानी उसमें बहुत ज़्यादा आता है, तो इधर की फौज की गाड़ियाँ भी चलती हैं, सिविल स्कूल के बच्चे आते हैं, कलाल से इधर आते हैं, दो दो घंटे खड़े रहते हैं, पानी नीचे, पानी डिवर्शन से ऊपर जाता है। और ग्रिफ डिपार्टमेंट वालों ने कम से कम 25-26 साल हो चुके हैं इन्होंने इधर आके सर्वे करते हैं और सर्वे करके डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं, ना तो किसी ने इसको पुल को बनाया और ना ही कुछ, जब भी बोलते हैं बस ये 2 साल के बाद बन जाएगा, बस अगले साल का काम स्टार्ट हो रहा है, अभी तक इधर कोई ना तो आया इसको पुल बनाने के लिए ना कुछ, इसलिए इधर कोई हादसा भी हो सकता है। इधर आगे एक दो तीन फौजी जिनकी डेथ हो चुकी है, गाड़ी नीचे चली गई थी उनके पानी में, तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि ग्रीफ डिपार्टमेंट वालों को इसकी सुध लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पुल का काम शुरू करवाना चाहिए।